स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्र ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अब मैंने 6.1 में भी आपको बताया स्क्वेयर क्या होगा सेम नंबर को हम कराएंगे टू टाइम्स मल्टीप्लाई फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमें गिवन है ये हमें फाइंड आउट करना है थर्टी का स्क्वेयर तो इसके लिए आप क्या करोगे थर्टी टू इक्वल टू सेम नंबर को टू टाइम्स कराना है हमें मल्टीप्लाई थर्टी टू मल्टीप्लाई थर्टी टू इसका मीनिंग ये नहीं है कि थर्टी टू को टू से मल्टीप्लाई कराना है हमें क्या करना है थर्टी टू को टू टाइम्स कराना है मल्टीप्लाई और जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आ जाएगा वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कराओगे डायरेक्ट तो आंसर क्या आ जाएगा वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर अगर आपसे ये स्टेटमेंट चेंज करके यहाँ दिया जाए कि फाइंड द स्क्र ऑफ द नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन कि आपको इसको एक्चुअल मल्टीप्लाई नहीं करना है जैसे आप लोअर क्लासेज में करते हो थर्टी टू को थर्टी टू से मल्टीप्लाई तब आप क्या करोगे वहां फॉर्मूले का कराओगे यूज वो फॉर्मूला क्या है देखिए आप हमें स्टेटमेंट ये गिवन है थर्टी टू स्क्वेयर करना है हमें फाइंड आउट थर्टी टू को हम लिख सकते हैं थर्टी प्लस टू होल स्क्वेयर इन दोनों का ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा थर्टी टू अब फॉर्मूला होता है ये आप नाइन्थ चैप्टर में पढ़ोगे ए प्लस बी होल स्क्वायर अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में इसका स्क्वायर किसके इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी या कई बुक्स में लिखा मिलेगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर अब देखिए आप ए और बी ए के प्लेस पे ये थर्टी और बी के प्लेस पे क्या पुट करो टू तो इस अकॉर्डिंग फर्स्ट तो क्या है यहाँ थर्टी स्क्वेयर प्लस फिर है टू स्क्वेयर फिर टू मल्टीप्लाई ए बी ए के प्लेस पे थर्टी और बी के प्लेस पे टू तो इसके बाद थर्टी स्क्वेयर थर्टी स्क्वेयर क्या होगा नाइन हंड्रेड प्लस टू स्क्वेयर ये है फोर प्लस टू को थर्टी से मल्टीप्लाई सिक्सटी और 60 को 2 से मल्टीप्लाई 120 तो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1024 आप इससे भी कर सकते हो अगर आपको यह समझ आ जाए कि हमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है नहीं तो आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमें गिवन है फाइंड द स्क्वेयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इसमें कहीं गिवन नहीं है कि आइडेंटिटी का यूज़ करना है आप डायरेक्ट भी इनको मल्टीप्लाई करोगे वो भी सही है सेकंड में थर्टी फाइव स्क्वेयर इसका मीनिंग है थर्टी फाइव मल्टीप्लाई थर्टी फाइव इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ये आंसर आ जाएगा नेक्स्ट है एटी सिक्स स्क्यर इसको फाइंड आउट करना है एटी सिक्स मल्टीप्लाई एटी सिक्स और इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइन्टी सिक्स नेक्स्ट है फोर्थ हमें फाइंड आउट करना है नाइन्टी थ्री का स्क्वायर नाइन्टी थ्री मल्टीप्लाई नाइन्टी थ्री तो इसका जो आंसर होगा एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी नाइन फिफ्थ पार्ट सेवेंटी वन का स्क्वायर फाइंड करना है इसका मीनिंग है सेवनटी वन मल्टीप्लाई सेवेंटी वन तो आंसर इसका आ जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे फाइव थाउजेंड फोर्टी वन लास्ट क्या है फोर्टी सिक्स स्क्वेयर फोर्टी सिक्स स्क्वेयर का मीनिंग है फोर्टी सिक्स को टू टाइम्स मल्टीप्लाई फोर्टी सिक्स मल्टीप्लाई फोर्टी सिक्स टू थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटीन तो ये हमारा फाइनल आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज़ हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी कि थ्री नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनमें से वन एक नंबर हमें गिवन होगा तो इससे पहले मैं आपको समझाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रेंगल में अप्लाई होगी जिसमें एक एंगल क्या होता है नाइन्टी डिग्री ये ए बी सी एक ट्रैंगल है राइट एंगल ट्रैंगल तो इसकी ये साइड जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या हो जाएगी हाइपटूनियस ये है इसका बेस और ये है परपेंडिकुलर तो पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट क्या है कि हाइपटूनियस स्क्वेयर इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर ये रिजल्ट है पाइथागोरस थ्योरम से और पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई होगी जब ट्रैंगल कैसी हो एक राइट एंगल ट्रैंगल हो तो इसकी देखिए आप ये थ्री साइड्स हैं और ये थ्री साइड्स किस फॉर्म में होती हैं जर्नल फॉर्मूला क्या है इनका टू एम एम माइनस वन एंड एम स्क्र प्लस वन ये तो हाईएस्ट यानी कि लॉन्गेस्ट साइड है इस एंगल की एम स्क्वेयर प्लस वन ये इससे स्मॉलर ये सबसे स्मॉलर तो अब हमें ये गिवन होगी स्मॉलेस्ट साइड इन क्वेश्चंस में ये स्मॉलेस्ट साइड गिवन होगी जिसको हम क्या सपोज करेंगे टू एम ये जर्नल फॉर्म है पाइथागोरियन ट्रिपलेट की जो हमें इसमें फाइंड आउट करने वो किस फॉर्म के हैं टू एम एम स्क्र माइनस वन एंड एम स्क्र प्लस वन तो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में सेकंड क्वेश्चन के हमें वन मेंबर गिवन है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का वो है सिक्स तो इसी से हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ये सिक्स हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में इस अकॉर्डिंग देखिए आप अभी मैंने जो आपको बेसिक समझाया इसका कि हम इस मेंबर को क्या सपोज कर लेंगे टू एम फिर एम स्क्वेयर माइनस वन एंड एम स्क्वेयर प्लस वन की वैल्यू को करेंगे फाइंड आउट तब हमें ये थ्री पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल जाएंगे तो इस अकॉर्डिंग हम पहले इसको क्या सपोज करते हैं लेट टू एम इक्वल टू सिक्स लेट टू एम इक्वल टू सिक्स और टू एम इक्वल टू सिक्स है एम के साथ टू है मल्टीप्लाई में तो राइट right साइड में इसको लिखा जाएगा डिवाइड में तो इसको कैंसिल आउट कीजिए आंसर आ जाएगा थ्री एम की वैल्यू आ गई है थ्री देर फोर एम स्क्वेयर माइनस वन एम स्क्वेयेर माइनस वन थ्री स्क्वेयर माइनस वन और थ्री स्क्वेयर माइनस वन का क्या मीनिंग है थ्री स्क्वेयर है नाइन माइनस वन और इसका आंसर आ जाएगा एट तो फर्स्ट तो ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में फर्स्ट मेंबर सिक्स सेकंड मेंबर क्या आ गया है एट एंड जो थर्ड मेंबर होगा इसका वो क्या है एम स्क्वेयर प्लस वन तो इस अकॉर्डिंग थ्री स्क्वेयर प्लस वन थ्री स्क्वेयर होता है नाइन नाइन प्लस वन इक्वल टू टेन तो ये हमारे थ्री पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं वो कौन से हैं सिक्स एट एंड टेन यही हमारा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का सेकेंड क्वेश्चन के अब सेकेंड पार्ट है सेकेंड पार्ट में हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट में वन मेंबर क्या गिवन है 14 तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन जैसा हमने पार्ट वन में किया है लेट टू एम इक्वल टू फोरटीन यहां से m की वैल्यू क्या आएगी m के साथ टू मल्टीप्लाई में 14 बाई टू इक्वल टू सेवन एम की वैल्यू आई है सेवन देर फोर अब वन मेंबर हमें गिवन है फोर्टीन सेकेंड मेंबर फाइंड आउट करने के लिए हम जनरल फॉर्म से जो सेकंड नंबर है वो क्या है एम स्क्वेयर माइनस वन सेवन स्क्वेयर माइनस वन इक्वल टू फोर्टी नाइन माइनस वन और फोर्टी नाइन माइनस वन होता है फोर्टी एट तो सेकंड मेंबर आ गया है हमारा फोर्टी एट एंड थर्ड मेंबर क्या होगा एम स्क्वेयर प्लस वन इस अकॉर्डिंग सेवन स्क्वेयर प्लस वन सेवन स्क्वेयर है फोर्टी नाइन प्लस वन और 49 में जब आप वन ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 50। तो हमारे जो थ्री पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं वो कौन से हैं 14, 48 एंड 50 ये हमारे सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर है अब थर्ड पार्ट है थर्ड पार्ट में हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट से वन मेंबर क्या गिवन है सिक्सटीन तो इससे ही हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं लेट 2m इक्वल टू सिक्सटीन यहां से m की वैल्यू सिक्सटीन बाई टू इक्वल टू एट टू से कैंसिल आउट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा एट तो अब देर फोर एम स्क्वेयर माइनस वन सेकेंड कैसे फाइंड आउट करेंगे एट स्क्वेयर माइनस वन एट स्क्वेयर होता है सिक्सटी फोर माइनस वन तो आंसर आ गया है यहाँ से सिक्सटी थ्री एंड थर्ड मेंबर वो कैसे फाइंड आउट करेंगे एम स्क्र प्लस वन एट स्क्न सिक्सटी फोर प्लस वन सिक्सटी फोर में वन ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा सिक्सटी फाइव तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में थ्री मेंबर्स कौन से हैं? एक तो हमें गिवन था सिक्सटीन सेकेंड है सिक्सटी थ्री और थर्ड है सिक्सटी फाइव तो ये हमारा आंसर है सेकेंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का अब लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का उसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हमें वन मेंबर क्या गिवन है एटीन तो इस अकॉर्डिंग अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं टू एम लेट टू एम इक्वल टू एटीन अब एम के साथ टू ये है मल्टीप्लाई में तो देर फोर एम की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या है एटीन बाई टू टू से कैंसिल आउट कीजिए तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नाइन अब सेकंड मेंबर हमें फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे एम स्क्वेयर माइनस वन नाइन स्क्वेयर माइनस वन और नाइन का स्क्वेयर होता है एटी वन माइनस वन एटी वन माइनस वन इक्वल टू एटी तो सेकंड मेंबर आ गया है एटी और थर्ड मेंबर के लिए एम स्क्वेयर प्लस वन नाइन स्क्वेयर प्लस वन तो नाइन स्क्वेयर है एटी वन प्लस वन आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से एटी टू तो अब फर्स्ट मेंबर क्या है एटीन सेकेंड मेंबर क्या आया है एटी और लास्ट थर्ड मेंबर क्या है एटी टू तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन था एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू का तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मेरे साथ आपने कमेंट शेयर कीजिए वीडियो को लाइक like करें शेयर करें और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू